गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से सिंटैक्स को समझेंगे। क्वेश्चन वन, विच सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। विच सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किस वाक्य में सही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज एक्साइटेड टू गो ऑन द फील्ड ट्रिप। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू गो ऑन द फील्ड ट्रिप। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू गो ऑन द फील्ड ट्रिप। यहाँ देखेंगे जो सब्जेक्ट है ऑफ के बाद में जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं होता। तो द ग्रुप सब्जेक्ट है। द ग्रुप के साथ में पहले सेंटेंस में आई है वर्ब बाज, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरे सेंटेंस में ग्रुप के लिए बर आई है जो कि गलत है। ग्रुप तीसरे सेंटेंस में ग्रुप के लिए आर आया जो कि गलत है, क्योंकि ग्रुप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाज, ये वाला ऑप्शन सही होगा, सही आंसर होगा। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाज एक्साइटेड टू गो ऑन द फील्ड ट्रिप। क्वेश्चन सेकेंड है, विच सेंटेंस हैज करेक्ट पंचुएशन, सही पंचुएशन किस में। माय फेवरेट कलर्स आर ब्लू ग्रीन एंड येलो, इसमें ब्लू के यहाँ होना चाहिए था, नहीं। माय फेवरेट कलर्स आर ब्लू ग्रीन एंड येलो, जी सही है, क्योंकि ब्लू है, ब्लू के बाद काम आ गया, ग्रीन है, ग्रीन के बाद एंड आ गया। माय फेवरेट कलर्स आर ब्लू ग्रीन, जी गलत। सही आंसर क्या है, माय फेवरेट कलर्स आर ब्लू ग्रीन एंड येलो। यहाँ ध्यान देंगे ब्लू ग्रीन एंड येलो, जो यहाँ ग्रीन है ना, यहाँ पर कामा नहीं चाहिए, एंड है, क्योंकि जी मतलब बी वाला आंसर सही, इसमें कामा है, इसमें लगा है, इसमें धोखे से लग गया है, इसको नहीं सही आंसर होगा। माय फेवरेट कलर्स आर ब्लू ग्रीन एंड येलो। क्वेश्चन थ्री है, विच सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ द अपोस्ट्रॉफी, सही अपोस्ट्रॉफी का सही यूज चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, सही आंसर है इसमें, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। यहाँ पर इट्स जी गलत है, जी पजेशो है, इट्स जी सही है, इट्स जी जी बे प्लूरल बनता है, जी नहीं है, सही आंसर है इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस, इनमें से कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल। ही एट डिनर एट एंड वॉच्ड टीवी, द सन इज शाइनिंग बट इट्स cold outside. He went to the store, but he forgot his wallet. इसमें करना क्या था जी, the sun is shining but it's cold outside. ध्यान देंगे the sun is shining, सूर्य चमक रहा है परंतु बाहर आउट बाहर ठंडी है। She ate dinner and watched TV. ये भी कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल। He went to the store, but he forgot. तीनों सेंटेंस में ध्यान देंगे जी गलत लिखा, तीनों ही सेंटेंस इसमें क्या है, तीनों सेंटेंस इसमें कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। तीनों ही सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रॉन्ग। ये भी सही है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी सही है, और थर्ड वाला भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, विच सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर का से। शी लाइक्स टू रीड बुक्स एंड वाचिंग टीवी, यहाँ लाइक्स है, यहाँ वाचिंग है, जो नहीं है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स एंड वाच, जी सही, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड वाचिंग, लाइक्स है यहाँ तो यहाँ पर वाचिंग नहीं, वाच, सही आंसर क्या हो गया है, शी लाइक्स टू रीड बुक्स एंड वाच मूवीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स का सही उपयोग। द रेड बिग बॉल बाउंस्ड डाउन द हिल, द बिग रेड बॉल बाउंस्ड डाउन द हिल, द बिग बॉल रेड बाउंस्ड डाउन द हिल, सही आंसर है बी, द बिग रेड बॉल बाउंस्ड डाउन द हिल। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ टेंस, टेंस का सही उपयोग किस वाक्य में है। ही विल गो टू द स्टोर यस्टरडे, ही वेंट टू द स्टोर यस्टरडे,
ही इज गोइंग टू द स्टोर यस्टरडे। चूंकि इसमें यस्टरडे शब्द जुड़ा हुआ है तो यस्टरडे पास्ट टेंस के बारे में इंफॉर्म करता है, इसलिए विल जो फ्यूचर टेंस है, बेंट जी सही है सेकंड वर्ब। ही इज गोइंग टू जी फ्यूचर को इंडिकेट करता है, यस्टरडे नहीं चाहता। तो थर्ड बार गलत है। सही आंसर क्या है? बी है, ही बेंट टू द स्टोर यस्टरडे। क्वेश्चन 8 है, विच सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ द पैसिव वॉइस। किस वाक्य में पैसिव वॉइस का सही उपयोग है? द टीचर गिव द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट, द एन असाइनमेंट वॉज गिवेन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, स्टूडेंट्स वर गिवेन एन असाइनमेंट बाय द टीचर। इसमें द स्टूडेंट गिव द टीचर गिव द स्टूडेंट एन असाइनमेंट, जी तो एक्टिव वॉइस है। द एन असाइनमेंट वॉज गिवेन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, जी बिल्कुल सही है। द स्टूडेंट्स वर गिवेन एन असाइनमेंट बाय द टीचर, जी भी सही है। सही आंसर है द स्टूडेंट्स वर गिवेन एन असाइनमेंट बाय द टीचर। ध्यान दें इसमें ए अकेला बस नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है जी जिस जी वाला जो क्वेश्चन अकेला नहीं है। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर एन असाइनमेंट वाज गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, जे भी सही है। द स्टूडेंट्स वर गिवन एन असाइनमेंट बाय द टीचर, जे भी सही है। एक बार नहीं था सही। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8-9। विच सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ द सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड का सही यूज देखना। इफ आई वाज रिच आई वुड बाय ए याच। If I were rich, I would buy a yacht. If I am rich, I will buy a yacht. सही आंसर है इसका। If I were rich, I would buy a yacht. जिसमें कल्पना है जो पूरी नहीं हो सकती उसको हम आई के साथ में बाज न लगा के बर का प्रयोग करते। If I were rich, यदि मैं धनवान होता, I would buy a yacht, तो मैं एक याच्ट खरीद। सेंटेंस नंबर 10, विच सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ द जीरंड। जीरंड का सही यूज इस वाक्य में है। रनिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी, आई लाइक टू रन एवरी डे, आई रन ए मैराथन लास्ट मंथ। सही आंसर रनिंग, रनिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी, जी सही आंसर है। क्योंकि हमें जीरंड चाहिए, जीरंड का मतलब होता है वर्ब का आई एन जी, जो आई एन जी फॉर्म जो नाउन का काम करे। नाउन का काम करेगा ना तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये थे सिंटैक्स को समझाने के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।